खबर सोनभद्र से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने में लगी है। उप मुख्यमंत्री लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन, जो विकासखंड चौपन अंतर्गत लगभग 50 ज्यादा गांवों को कवर करता है, लेकिन इसकी स्थिति बेड पर ही बनी हुई है। अस्पताल में शौचालय की साफ सफाई की स्थिति नदारद है। दिनांक 8/9/2022 को रात लगभग 8:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन में एक महिला की डिलीवरी होना जो दर्द से करार रही थी। अस्पताल में डिलीवरी वार्ड पूरे तरीके से अंधेरे में था। उसके बाद अस्पताल मौजूद जिम्मेदार द्वारा किसी तरह मोबाइल के टार्च के भरोसे महिला की डिलीवरी कराया गया। अंधेरे में डिलीवरी कराना बहुत बड़ा रिस्की बात है, तो यह कहें कि यह हाल एक दिन का नहीं प्रतिदिन का है। घंटों से कमरे में लाइट भी नहीं थी, सोलर भी महीनों से खराब पड़ा है, जनरेटर भी बंद था। संज्ञान में आने के बाद लगभग एक घंटे के बाद विभाग के लोगों के द्वारा जनरेटर चालू करवा दिया गया। बिजली के अभाव में रूटीन होने वाले टीकाकरण की दवा जो कोल्ड चेन में रखा जाता है, उसको भी बिजली की वजह से दिक्कत होता होगा, खराब होने का खतरा भी रहता है। साथ ही अस्पताल में पानी की सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है जो कोई पी सके। इस तरह की लापरवाही से प्रदेश की योगी सरकार व जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। स्वास्थ्य विभाग सरकार की बदनामी कराने में लगा है। ट्रस्ट की अध्यक्ष सावित्री देवी ने साक्ष्य वीडियो के साथ जिला अधिकारी सोनभद्र, अपर जिला अधिकारी सोनभद्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र को शिकायत की कि जल्द से जल्द उक्त प्रकरण की जांच कराते हुए कार्यवाही व बिजली की स्थिति को देखते हुए सोलर व्यवस्था सही करवाने व जनरेटर को संचालित हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें। मेरे सिस्टर का डिलीवरी अंधेरे में हो रहा था, जो कि यहाँ चौपन में कई दिनों से लाइट की जो है बहुत कट रही है, उसकी वजह से हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं रहती है। पूरा हॉस्पिटल का जितने कमरा है सब अंधेरे में रहता है। यहाँ जनरेटर भी है, इन्वर्टर भी, हर सुविधा है, फिर भी यहाँ की लाइट के प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैंने कहा तो वो लोग बोले कि सोलर ख़राब है। नमस्कार, मेरा नाम शांति देवी है। चौपन सरकारी हॉस्पिटल में कल रात को सूचना मुझे मिली कि अंधेरे में टार्च की रोशनी से डिलीवरी कराया जा रहा था, जो कि सारी सुविधा होते हुए भी सुविधा वहां पे नहीं मिल पा रही है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं से सरकार की जो छवि है हमारे, उसको खराब किया जा रहा है, जो कि हमारे योगी नाथ जी हर जगह हर हॉस्पिटल में हर सुविधा को लेके वो जांच भी कर रहे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं, मगर उस सुविधा का लाभ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र चौपन में है सभी को लाभ नहीं मिल पाता है। और पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं मिल पाता है। रात में जो भी वहाँ पे पेशेंट आते हैं, भर्ती होते हैं और उनको दिक्कत होती है पानियों की, तो वो बाहर जाके पानी लेते हैं और वहाँ पे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सुविधा नहीं। मैं चाहती हूँ, और मैंने कल रात को ही DM को और CMO को मैंने लेटर लिख के उनको भेज दिया है कि इस पर जितना जल्दी हो काम करें और कार्रवाई भी करें। और मुझे डॉक्टर की मुझे शिकायत नहीं करनी है, मगर मुझे ये चाहती हूँ कि मैं जो भी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं, उसको जल्द से जल्द उसको सुविधा दिया जाए, कि दूर दूर से क्षेत्र से गरीब यहाँ पे आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट में जाए। सरकारी में सारा सुविधा होते हुए भी उनको प्राइवेट में जाने के लिए पड़ जाता है। बस यही कहना चाहती हूँ सबसे कि ये सारी सुविधा उनको मिले। बस जय हिंद, जय भारत।